हे गाइस यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, कोई आज व्लॉग नहीं है। तो आज भाई जो चल रहा है अपना कंपैरिजन चल रहा है दो बाइकों का, जो कि एक है यामा की R1 है, जो कि अपने भाई की है, और ये साथ में अपनी खड़ी हुई है। तो यार ना, मैंने भाई की बाइक चलाई, पहली बार चलाई है। तो यार मेरे को ना इसमें काफ़ी मतलब ना सही चीज़ें भी लगी और कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी लगा, जो मैं आपको बताऊँगा। कंपेरिजन है ना दोनों का, तो मेरी वाली का तो तुम्हें पता ही है यार क्या दिक्कत है, तो एक बार दोबारा बता दूंगा आपको इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आपको इसके फीचर के बारे में बता दूं, पहले शुरुआत करते हैं जो मेरे को सही लगा इसमें। एक तो यार भाई इसकी लुक सही लगी, आप देख ही सकते हो, और चलाने का पोस्चर भी ठीक है। कई बंदों को अच्छा लगता है, कई बंदों को अच्छा नहीं लगता, जो कि यार लॉन्ग राइड के लिए अच्छा नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है इसका पोस्चर। बाकी अपनी वाली बाइक का वही कि पोस्चर काफ़ी अच्छा है चलाने का, ये थोड़ी कमी है इसमें। और बाकी इसकी एक खास बात की भी बात कर लेते हैं यार, इसका ना जो गेयर शिफ्टिंग है ना वो काफ़ी स्मूथ है, मेरी वाली से तो काफ़ी स्मूथ गेयर शिफ्टिंग है इसका। यार इसके ना मेरी वाली के जो है ना NS 200 के, इसके गेयर बहुत अटकते हैं भाई, सच में गेयर अटकते हैं, पहले से और दूसरे में गेयर अटकता है। बाकी में नहीं अटकेगा, लेकिन पहले दूसरे में अटकेगा। और वहीं पे अपने भाई की बाइक जो है Yamaha R15, इसके भाई गेयर अटकते नहीं है, स्मूथ गेयरिंग है, बिल्कुल स्मूथ। बाइक का टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, मतलब NS 200 का भी है, बट इसका थोड़ा सा ज़्यादा उसे टर्निंग रेडियस, क्योंकि बाइक का वेट कम है, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब आपके हाथों में वेट फील ही नहीं होता। बाकी यार दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भाई लुक के ऊपर डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग पसंद है। मेरे को दोनों ही अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं लगती या वो ज़्यादा अच्छी लगती है, अपने को दोनों अच्छी लगती है। तो यार बताओ यार भाई, बोलोगे कुछ? दोनों बढ़िया है ना, दोनों राइडिंग के हिसाब से दोनों बढ़िया हैं। और बता भाई यार, क्या तेरे को खासियत लगती है बाइक की? दोनों अच्छी यार, दोनों इसमें यार लॉन्ग रूट के लिए ठीक नहीं यार। हाँ तो ये भाई की बाइक है यार अपने, और बाकी हाँ, और बाकी कोई कमी कुमी लगी हो? या मैं चला के आया हूँ ना बाइक, मेरे को मजा आया सच में। अब ये नहीं पता क्योंकि मैंने ज़्यादा देर नहीं चलाई वो, क्या पता लॉन्ग राइड में कईयों को पेन होती होगी, कईयों को नहीं होती होगी। और हाँ, अब मिरर तो यार ये चीज़ ना बड़ी सही लगी मेरे को, ये ज़्यादातर फेयरिंग वाली बाइकों में आता है ये वाली चीज़। तो यार यार सभी की अलग अलग पसंद होती है, कईयों को फेयरिंग वाली अच्छी लगती है, कईयों को नेकेड बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यार अपने को तो दोनों ही अच्छी लगती है। और यार इसकी ना बॉडी देखोगे ना तो यार काफ़ी मस्कुलर लगती है दिखने में, वैसे है तो यार ये फाइबर ही है, प्लास्टिक ही है यार, फाइबर का भी पता नहीं। इन्हें यहाँ पे एक वो जगह चाहिए था लैंप वगैरह, पर थोड़ा वो है, जो अभी नई आई है ना BS6, तो उसमें आ गया एक BS6 में, तो ये BS4 है अपने भाई की बाइक। तो यार लुक भी काफ़ी अच्छी है, कलर भी काफ़ी अच्छा है, दोनों का सेम ही कलर है जहाँ तक है, मैट है, मैट ग्रे है। तो बाकी यार और ज़्यादा कोई कमी लगी नहीं मेरे को बाइक में, दोनों में मतलब सेम ही फीचर है, बस थोड़ा इंजन का फर्क है इसका, बाकी पावर उतनी है यार। बाइक ना चकती है, एक बार ना अगर मैं पहले गियर में पूरा थ्रोटल दे दूंगा तो बाइक उठती है भाई, ये चीज़ मैंने फील करी है इसमें, बाकी वो चीज़ अपनी बाइक में है नहीं। और बाकी पहले गियर में कितनी चल जाती है कोई अंदाजा हो? 50-60 तो खींच जाती है, खींच के देख लेते। हाँ तो अभी खींच के देख लेते हैं। अपनी वाली तो यार 40 कुछ पहुंची थी मेरे को जहाँ तक याद है पहले गियर में, तो अब भी इतनी 50 के राउंड पहुँच जाती है NS 200। बाकी अभी इसका भी टेस्ट कर लेते हैं, कौन करेगा टेस्ट? अपना भाई जाके आ रहा है, टेस्ट कर रहा है। तब तक यार अपन ने एक वो बनाई है कि मैंने बाइक क्यों ली और ये क्यों नहीं ली, आपको ये भी रीज़न बता देता हूँ कि मैंने R15 क्यों नहीं ली, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन भी था बाइक का। तो यार एक तो यार बाइक महंगी है थोड़ी, है बाइक महंगी है ना, 1 लाख कुछ की पड़ी थी उस टाइम, इससे महंगी है, और इंजन ना थोड़ा कम है, इसलिए नहीं ली यार गाइस मैंने बाइक। और थोड़ा राइडिंग पोस्चर भी ना मतलब पेन हो जाएगी पीठ में वैसा है, और बाकी लुक तो अल्टीमेट है ही यार। देखो यार लुक कितनी सही लग रही है, एकदम डेविल लुक। 48 गई, तो गाइस वही एक किस्म से मतलब सेम ही है दोनों, वो 48 गई है, ये भी 49-50 के राउंड जाती है, तो दोनों बाइकें बिल्कुल सही है, बस थोड़ा पर्पस अलग है, ये सिटी के लिए ज़्यादा अच्छा है, और ये सिटी प्लस हाईवे लॉन्ग राइड के लिए भी अच्छी है बाइक अपनी। तो आई होप यार आपको भाई कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, बाकी मेन कंपैरिजन तो आपको वीडियो बहुत मिल जाएगी यार, जो मैंने फील किया वो मैंने आपको बता दिया बाइक का मतलब चला चलू के। और बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।